हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहित सिंह रावत और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गढ़वाल पांच वंश की चौथी क्लास। यहां पर हम मानशाह और श्यामशाह इन दोनों शासकों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास की बात करें तो वहां पर हमने सहजपाल और बलभद्र शाह इन दोनों राजाओं के बारे में डिटेल से पढ़ा था, साथ ही साथ कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें भी पढ़ी थी। तो डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में हम मानशाह, श्यामशाह और साथ ही साथ कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, तो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल, और आप हमारी क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर से। दोस्तों, पिछली क्लासेस में भी हमने इन पुस्तकों के बारे में चर्चा की थी और आज की क्लास में भी करेंगे और आने वाली चार पांच क्लासों में भी करेंगे जहां तक हम पावर वंश को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न आपको किताबों से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर अगर बात करें सांवरिक ग्रंथ की तो ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में इन्होंने जो अजय पाल है उसे आदिनाथ कहकर संबोधित किया था। बाकी गढ़वाल राज्य वंशावली देवराज की है। सभासार ग्रंथ जो सुदर्शन शाह द्वारा ब्रज भाषा में 7 खंडों में लिखी गई है। इसके अलावा द ग्लोरी डेट वॉज गुजर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, जहां पे वे बताते हैं कि गुजर प्रदेश कहां पर है और कनकपाल वहां किस क्षेत्र से यहां पे आया था। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी डब्ल्यू जॉर्ज विंग्स द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक में जो जॉर्ज विंग्स है वह यह बताते हैं कि जो अजय पाल है वे गोरखनाथ पंथ की एक शाखा का संस्थापक है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत की, इसमें डॉक्टर अजय रावत जो अजय पाल है उसे अशोक के समान मानते हैं। मनोदय काव्य जहांगीर विनोद कवि भरत की काफी इंपोर्टेंट किताब है ये, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है। गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक जो 1916 में प्रकाशित हुई थी और राय बहादुर पातिराम इसके लेखक थे। ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्रकाशन 1916 में ही हुआ था, 1917 इसका गलत आंसर है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन की और गढ़वाल का इतिहास और नरेंद्र हिंदिल्लो हरिकृष्ण रतुड़ी की। इसके अलावा भी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स जो एच जी वाल्टन की है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर जो 1910 में उन्होंने लिखी थी। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, हाल ही में आयोग ने यहां से एक प्रश्न पूछा था, वहां पे प्रश्न यही पूछा था कि ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, और ऑप्शन में 1912 भी था और 1910 भी था। परीक्षा वाणी आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको 1912 आंसर मिलेगा, लेकिन वास्तविक जो इसका प्रकाशन हुआ था वो 1910 में हुआ था और आयोग ने भी इसका आंसर 1910 ही माना है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अल्मोड़ा गजेटियर, अब आने वाले एग्जाम में आपसे यह पूछा जा सकता है, इसका प्रकाशन 1911, और देहरादून गजेटियर इसका प्रकाशन भी 1911, तो यह भी काफी इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर और देहरादून गजेटियर। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर का प्रकाशन 1910 और अल्मोड़ा और देहरादून गजेटियर का जो प्रकाशन हुआ था 1911 में हुआ था। तो अब हम यहां पे चर्चा करते हैं आज के अपने टॉपिक पे मानशाह के बारे में। लेकिन मानशाह के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है, और बात यह है कि गढ़वाल का प्रतापी राज्य गंगा और यमुना के मध्य फैला है, जिसकी राजधानी श्रीनगर है और उनके राज्य की जो सीमा है आगरा नगर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरा गणराज्य लंबाई में 300 किलोमीटर और चौड़ाई में 150 किलोमीटर तक फैला है। यहां के सूर्यवान जो शासक हैं, वह सोने के बर्तन में भोजन करते हैं। यह जो बात लिखी है, यह लिखी है विलियम फोस्टर ने, काफी इंपॉर्टेंट है। विलियम फोस्टर ने अपनी पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में विलियम फोस्टर ने मानशाह के बारे में यह कथन कहा है कि गढ़वाल के प्रतापी राज्य गंगा यमुना के मध्य फैला है और वहां के जो सूर्यवान शासक हैं वह सोने के बर्तन में भोजन करते हैं। तो किसी का कथन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो विलियम फोस्टर ने यह कथन गढ़वाल के शासक मानशाह के संदर्भ में कहा था। तो यहां पर यह हो गया। अब बात करते हैं मानशाह के बारे में। मानशाह का जो कार्यकाल था वो 1591 से लेकर 1611 तक था। तो इस हिसाब से, यानी जब हम इसका कार्यकाल 1591 से 1611 मानते हैं, तो इस हिसाब से इसका जो समकालीन शासक रहा होगा वह कौन कौन है? अकबर है, जहांगीर है, साथ ही साथ अगर हम कुमाऊं में बात करें तो रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद है। तो मानशाह के जो समकालीन शासक हैं वे चार हैं, अकबर है, जहांगीर, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। और मानशाह की बात करें तो यह 44वां पंवार शासक था। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो मानशाह 44वां क्रम शासक था,
इससे पहले बलभद्र सा थे और उससे पहले की बात करें तो सहजपाल थे। तो ये राजाओं का कर्म हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करें कि मानसा के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो मानसा को जानने के जो हमारे पास स्रोत हैं वो मुख्यतः तीन हैं। सबसे पहला है जो क्षेत्रपाल मंदिर है जो आपको देवप्रयाग में मिलेगा। क्षेत्रपाल मंदिर से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो 1608 ईस्वी का है, वह मानसा का है। इसके अलावा देवप्रयाग के ही रघुनाथ मंदिर से भी हमें एक और शिलालेख प्राप्त हुआ है जो 1610 ईस्वी का है। इन दोनों शिलालेख से हमें मानसा के बारे में जानकारी मिलती है। यह जो दोनों शिलालेख थे मानसा के थे। इसके अलावा भी जो मानोदय काव्य है यहां से भी हमें मानसा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और मानोदय काव्य जो लिखा है वह कवि भरत ने लिखा है, जो कि खुद मानसा के एक दरबारी कवि थे। तो मानसा के जो दरबारी कवि थे वह थे कवि भरत, और उन्होंने एक मानोदय काव्य की रचना की है। कवि भरत की बात करते हैं तो यह पहले जहांगीर के दरबार में थे। जहांगीर ने कवि भरत को ज्योतिक राय की भी उपाधि दी थी, और कवि भरत ने जहांगीर के संदर्भ में जहांगीर विनोद नामक एक काव्य की रचना भी की थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम मानोदय काव्य की बात करते हैं तो इसकी जो मूल भाषा है वह संस्कृत है, और इस काव्य में मानसाह को समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान और बलि के समान दानवीर, साथ ही साथ कर्ण के समान कीर्तिवान भी बताया है। तो मानोदय काव्य में जो कवि भरत है वो मानसा की काफी प्रशंसा करते हैं। यह तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था मानोदय काव्य से संबंधित। अब मानसा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो इसका जो सेनापति था, दो प्रसिद्ध सेनापति हुए इसके, एक है नंदी और दूसरा का नाम था खत्तर सिंह। इसके अलावा मानसाह ने मानपुर नामक शहर की स्थापना की थी जो संभवतः श्रीनगर के आसपास रहा है और अलकनंदा नदी के तट पर था। तो मानसा के बारे अब इसके अलावा जो मानसा से संबंधित काफी इंपोर्टेंट है, जो हाल ही में प्रश्न पूछा भी गया था, वो यह था कि अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, श्याम शाह या मानसा। तो इसका जो सही आंसर था वह था मानसा। अजय पाल के बाद मानसा ने ही दाबा प्रांत तिब्बत पर आक्रमण किया था और उसे मजबूर कर दिया था कर देने के लिए। यह जो प्रश्न है, अभी हाल ही में जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ 5 तारीख की पहली शिफ्ट में, वहां पे पूछा गया था। इस युद्ध की बात करें तो यह युद्ध दाबा प्रांत के खिलाफ मानसा द्वारा लड़ा गया था, क्योंकि जो दाबा प्रांत का जो राजा था वह जो गढ़वाल का जो क्षेत्र था, यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, वहां पर आक्रमण करता रहता था और उत्पाद मचाता रहता था। तो इसको रोकने के लिए मानसाह ने दाबा प्रांत पर आक्रमण कर दिया, और मानसाह अजय पाल के बाद पहला ऐसा शासक हुआ जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। और वहां पे जब इसने विजय प्राप्त की तो दाबा से एक संधि कर दी, और संधि के तहत बोला गया कि वह प्रत्येक वर्ष उसे 1.25 शेर सोना देगा, साथ ही साथ जो 4 सींग वाला मेंढा है, संभवतः यह हिरण की प्रजाति हो, उसे कर के रूप में देगा। और साथ ही साथ दाबा प्रांत के शासक को यह भी समझा दिया कि आज के बाद तुम हमारे जो राज्य है या हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहां पर कभी भी आक्रमण नहीं करोगे, या फिर हमारे क्षेत्र में कभी भी अतिक्रमण करने की कोशिश, लूटपाट करने की कोशिश नहीं करोगे। यह बात और इसके अलावा लक्ष्मी चंद ने, जो चंद शासक था, उसने भी गढ़वाल क्षेत्र पर 7 बार असफल आक्रमण किया। मानसाह के काल में ही यह आक्रमण किया था, और हर बार लक्ष्मी चंद को इसमें हार हुई, हर बार इसे मुंह की खानी पड़ी थी। तो जब हर बार वे हार जा रहा था, तो एक बार फाइनली 8वीं बार जब लक्ष्मीचंद ने आक्रमण किया गढ़वाल क्षेत्र पर, तो इसे कुछ आंशिक सफलता मिली। और इस युद्ध में जो लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था उसका नाम था गेंडा सिंह, और मानसा का जो सेनापति था उसका नाम था खतड़ सिंह। इन दोनों जो सेनापति थे इनके बीच में यह युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध में जो मानसा का जो सेनापति था खतड़ सिंह वह मारा गया। और इसके मारे जाने पर चंद राजा बहुत खुश हुए, और उन्होंने इसके उपलक्ष्य में यानी खतर सिंह की मृत्यु पर एक त्योहार मनाने की शुरुआत की, जिसे खतड़वा त्योहार कहते हैं। तो चंद राजाओं ने खतर सिंह की मृत्यु पर एक उत्सव के रूप में खतड़वा त्योहार मनाने की शुरुआत की थी। तो मानसा से संबंधित जो बातें थी इंपोर्टेंट वो तो मानसा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यही है, यही बातें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं श्यामसा के बारे में। श्यामसा की बात करते हैं तो श्यामसा 45वां पंवार शासक था, और इसका जो कार्यकाल था, यानी श्यामसा का जो कार्यकाल था, वह 1611 ईस्वी से लेकर 1631 ईस्वी तक था।
कुछ इतिहासकार 1629 मानते हैं, कोई 1630 मानते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वो 1611 ईस्वी से लेकर 1611-31 ईस्वी तक था। तो इस हिसाब से जो इसके समकालीन राजा हुए, तो दिल्ली में तो समकालीन राजा जहांगीर हो गया, और यहां पर बात करें चंद शासकों की तो वह था लक्ष्मी चंद, दिलीप चंद और तिरमल चंद। क्योंकि जो लक्ष्मी चंद का जो कार्यकाल था वो 1497 से लेकर 1620 तक था, बाकी तिरमल चंद की बात करें तो 1625 पे गद्दी पे बैठा था। और यहां पे तिरमल चंद से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, प्रश्न यह बनता है कि यह जो तिरमल चंद शासक था इसने श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी, यानी उस समय जब चंद शासन में जब लक्ष्मी चंद की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसके काल में यानी चंद राज्य में राजनीतिक उथल पुथल होने लग गई थी, तो वे राजाओं को मानने लग गए थे, राजाओं के पुत्रों को मानने लग गए थे। तो उस स्थिति में जो ये तिरमल चंद था उस समय वह गढ़वाल क्षेत्र में आया और श्याम शाह ने इसे अपने दरबार में शरण दी थी, और बाद में श्याम शाह ने ही तिरमल चंद को चंद राजा बनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप यहां पे समझ रहे होंगे कि इस समय चंद राजाओं का और पंवार राजाओं के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ था। इससे पहले लक्ष्मीचंद बार बार आक्रमण करता रहा था, लेकिन जब यहां पे यह शासक आए, तिरमल चंद शासक आया, श्याम शाह शासक आया, तो इन दोनों राजाओं के बीच में, चंद शासक और पंवार शासकों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किस राजा के काल में सर्वप्रथम चंद शासक और पंवार शासकों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध हुए थे, तो श्याम शाह के काल में हुए थे। अब यहां पे कुछ इंपोर्टेंट बातें की बात करें, अब यहां पर अगर हम कुछ इंपोर्टेंट बात करें तो श्याम शाह के गुरु की बात करें तो उनका नाम था शंकरदेव, और शंकरदेव जी द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम था वास्तु शिरोमणि। तो वास्तु शिरोमणि पुस्तक की जो रचना की वह शंकरदेव ने की, जो श्याम शाह के दरबार में उनके राजगुरु थे। तो श्याम शाह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये हो गई। इसके अलावा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है और आने वाले एग्जामों में आपसे पूछी जाएगी, वह यह है। सबसे पहला, श्याम शाह का हमें केवल एक ताम्र पत्र मिलता है, और इस ताम्र पत्र में श्याम शाह ने जो शिवनाथ जोगी नामक एक व्यक्ति है इसे सिलसारी ग्राम में एक भूमि दान दी थी। तो श्याम शाह का हमें एक ताम्र पत्र मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि उसने शिवनाथ जोगी को सिलसारी ग्राम में कुछ भूमि दान दी थी, काफी इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा श्याम शाह ने अपने पिता के भांति ही, उसने अपने पिता यानी मानसा के भांति ही दाबा प्रांत पर विजय प्राप्त की थी, और वहां से एक कर के रूप में एक शेर स्वर्ण और गाय प्राप्त की थी। असल में यहां पे उस समय यह हुआ था कि जब मानसा की मृत्यु हुई थी तो जो दाबा प्रांत का जो शासक था उसने कर देना बंद कर दिया था, तो इससे श्याम शाह नाराज हुआ और उसने फिर दाबा प्रांत पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया, जिसके फलस्वरूप वहां से वो एक शेर स्वर्ण प्राप्त किया और वहां से एक गाय भी प्राप्त की थी, और फिर उसे कर देने के लिए प्रतिवर्ष विवश कर दिया था। तो दो इंपोर्टेंट फैक्टर यानी श्याम शाह से ये हो गए। इसके अलावा भी श्याम शाह से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जहांगीरनामा में हमें श्याम शाह का वर्णन मिलता है, यानी जहांगीरनामा जो जहांगीर की आत्मकथा है वहां पर हमें श्याम शाह का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जहांगीर ने श्याम शाह से प्रसन्न होकर एक घोड़ा और एक हाथी उपहार स्वरूप दिया था। दोस्तों यह जो प्रश्न है सबसे पहले 2018 में ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, और उसके बाद यह जो प्रश्न है इतनी बार रिपीट हो चुका है कि लगभग हर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। लेकिन अब आपको यह याद नहीं करना, अब आपको यहां पर यह याद करना है कि जो श्याम शाह और जहांगीर की जो मुलाकात हुई थी वह आगरा में हुई थी और अप्रैल 1621 में हुई थी। आने वाले एग्जाम में आपसे यह पूछा जाएगा कि यह मुलाकात कहां पे हुई थी या फिर कब हुई थी, तिथि में थोड़ा विवादित होता है, लेकिन संभवतः जो अधिकांश जो इतिहासकार हैं वह अप्रैल 1621 ही मानते हैं। तो अप्रैल 1621 में आगरा नामक स्थान पर श्याम शाह और जहांगीर की मुलाकात हुई थी। आने वाले एग्जाम में आपसे यह प्रश्न बनेगा, क्योंकि जो पुराना वाला जो प्रश्न है यह काफी रिपीटेड हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो इसी राजा के काल में यानी श्याम शाह के काल में ही श्रीनगर में केशव राय मठ की स्थापना हुई थी, जो संभवतः 1625 में हुई थी और महीपति शाह द्वारा की गई थी। इसके अलावा श्याम शाह के काल में सबसे पहले जो प्रथम पादरी है आंतोनिया दे आंद्रोदे, यह श्रीनगर आया था, यानी 1625 में सबसे पहले जो आंतोनिया दे आंद्रोदे है, जो पादरी है, ये यूरोपियन पादरी है,
यह गढ़वाल में आया था, श्रीनगर में आया था, 1625 ईस्वी में आया था, और 1625 ईस्वी में यह श्रीनगर से होते हुए तिब्बत की ओर चला गया था। इसके अलावा भी यह एक बार दोबारा आया, और 1631 में कहा जाता है कि इस पादरी ने जब श्याम शाह की मृत्यु हुई इसका दाह संस्कार भी देखा था, और इसका जो दाह संस्कार हुआ था काफी भयानक हुआ था, क्योंकि इस समय इसकी जो रानियां थी 60 रानियां थी वह भी सती हुई थी। तो गढ़वाल में सती प्रथा की जानकारी हमें श्याम शाह के काल से ही मिलती है। श्याम शाह की बात करें तो एक निसंतान राजा था, और जबकि उसकी 60 रानियां थी, तो एक निसंतान राजा भी हुआ और इसकी 60 रानियां भी थी, और मृत्यु के समय इसकी रानियां भी सती हुई थी। और श्याम शाह की जब मृत्यु होती है तब उसका जो चाचा होता है महीपति शाह वह गद्दी पर बैठता है और पवार वंश का अगला शासक बनता है। तो श्याम शाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों वह यही थी। उम्मीद है आपको एग्जाम में यहां से काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।